हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम्स। यहाँ पर मैक्सिकन लीग का मैच हो रहा है टिजुआना वर्सेस पैचुका के बीच 8:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो मैच है बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्योंकि टिजुआना और पैचुका दोनों टीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब डिसेंट खेल रही हैं। स्टैंडिंग्स में थोड़ी पीछे हैं बट सीज़न की शुरुआत है। मैं कहूँगा लगातार अगर मैचेस जीतने की कोशिश करेंगी दोनों टीम्स तो हो सकता है कुछ अच्छा करें, ठीक है। बाकी देखो, मेरा ऐसा है कि मैं इन दोनों टीम्स को लेके थोड़ा दिक्कत में हूँ क्योंकि इनका कप्तान वाइस कप्तान रखना बहुत मुश्किल है इस मैच में, क्योंकि दोनों साइड डिसेंट है और दोनों साइड के खिलाड़ी बहुत एक मतलब परफॉर्मर हैं, बस ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करते। तो देखना पड़ेगा इस मैच में। आगे से अगर बात करें, देखिए स्ट्राइकिंग की, सबसे पहले मैं सी गोंजालेस की अगर मैं बात करूँ तो मैं सी गोंजालेस को लेने के लिए बेताब था पिछले मैच के अंदर 30 अक्टूबर को, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया और हो सकता है इसको थोड़ी बहुत इंजरी हुई हो उस मैच में, क्योंकि इसको इतनी जल्दी कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करते। अब पता चलेगा कि आज खेलता है कि नहीं ओवरऑल 10 डेज़ के बाद, तो आज मैं लूँगा। एंड योरियो की अगर बात करें, देन लुकास डी योरियो पिछले साल तो बहुत अच्छा था, मीन्स 2021 और 22 का जो सीज़न था वो तो अमेजिंग था, लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछले साल से अब तक बहुत गिरावट आई है। ये खिलाड़ी के गोल्स एकदम आधे हो चुके हैं। इतने बड़े लेवल पे, इतनी अच्छी फॉर्मेशन पे अगर कोई बंदा गोल नहीं कर पा रहा तो समझ लो कि वो किसी टीम में चलने लायक नहीं है। अब मैं योरियो के बारे में बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, देखते हैं अब क्या करता है। एंड कैवलिनी की बात करें, कैवलिनी को खिलाना चाहिए ये मैच, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये केविन से ज़्यादा बेटर ये खिलाड़ी रहेगा, तो मैं इसको अभी टीम में सेव कर रहा हूँ। बात करें मिडफील्डिंग की, रिवेरा इज़ अ ग्रेट प्लेयर। रिवेरा ने पिछले मैच के अंदर भी ज़ोरदार गोल किया और वाइस कप्तान का ऑप्शन तो मैंने नहीं दिया था बट मैंने इतना कहा था टीम में ले लो, जिप सब ने लिया होगा। मैद्रिगल की बात करें, देखिए मैंने आपको लास्ट मैच में बोला कि मैद्रिगल इज़ आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन इफ़ यू वॉन्ट दिस प्लेयर तो फिर आपको ये छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको कैवलिनी भी नहीं लेना, क्योंकि तीन मिडफील्डर अफोर्ड करोगे तो एक स्ट्राइकर तो छोड़ना ही पड़ेगा, सीधी बात है। और आगे बात करें देन एलेजेंड्रो मार्टिनेज, ये बहुत ज़्यादा मेन है क्योंकि ये रेयर गोल्स और छोटी टीम्स के खिलाफ गोल करने के लिए जाना जाता है, इसलिए मैं इसके साथ जाऊँगा। और एरियल हो गया, ब्लैंको कभी कभी चलता है, ब्लैंको ने पिछले मैच में गोल भी किया था, इन्होंने ऐड नहीं किया, मतलब वो मैच 30 अक्टूबर के बाद हुआ था, वो इधर ड्रीम इलेवन में ऐड नहीं हुआ था। बाकी ऑपोजिशन टीम की बात करें देन सैंचियस को लेंगे, पीएसी का मेन प्लेयर सैंचियस, मैम मॉन्टेरी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन पिछले मैच में। आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा, इनके ना बहुत प्लेयर है बट मेरा आपको कुछ लिमिटेड बता रहा हूँ। या तो देखो आप मॉन्टेल गोलो सुनो खेला नहीं खेला तो फिर ऑर्टिस अगर खेलता तो अब इसके साथ जाओ, क्योंकि आप रिस्क ले लो, सेफ कब तक जाओगे? अगर सेफ जाना है तो बहुत ऑप्शन है ऐसे, तो फिर ये भी है अपना मैरिनो हो गया, डी गोंजालेस हो गया, बट मैं कहूँगा रिस्क लो, यू हैव टू गो विथ ऑर्टिस। एंड आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग की, तो यहाँ पर डी बारबोसा बोलूँगा, ठीक है। डी बारबोसा के बाद जो हमारा अगला प्लेयर है वो है के बलांटा। अगर सामने सेफ जाना है तो आप यहाँ पर एम मिगुएल को भी ले सकते हो, डबल साइडेड टीम हो जाएगी आपकी, ठीक है। मैं तो कहूँगा डबल साइड चले जाओ, रिस्की मैच है, ज़्यादा रिस्क मत लो इस मैच में। एंड गोल कीपिंग की अगर बात करें देन यहाँ पर मैं लूँगा भाई पीएसी का प्लेयर सीम ओरेनो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीम्स हो रहा है इस मैच में। बात करें कप्तान की, कप्तान है मेरा सी गोंजालेस, वाइस कप्तान है जो मेरा इस मैच में, वो देखो रहेगा तो सामने अपनी टीम का ही बट थोड़ा रेयर होगा अपना, मैं सी रिवेरा या एस एलेजेंड्रो मार्टिनेज में किसी एक को रखूँगा। मेरा मन वैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कभी मैं कहता हूँ मार्टिनेज, कभी कहता हूँ रिवेरा, तो सोचते हैं तब तक रिवेरा को सेव करो, सॉरी रिवेरा को, ठीक है। ये मेरी टीम में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।